तो फ्रेंड ये है अमृत, सुबह सुबह यानी कि चाय सुबह की। तो फ्रेंड सुबह चाय पीने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक काम जरूर करें, ये है गर्म पानी। तो सुबह उठ के एक गिलास गर्म पानी जरूर पिए, जो हमारे पेट के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो गर्म पानी एक गिलास जरूर पिए, और पानी पीने के बाद में ही हम चाय पिए, उससे पहले चाय नहीं पिए, क्योंकि बहुत नुकसान करता है खाली पेट चाय पीने से। ठीक है ना फ्रेंड? तो गुड मॉर्निंग, चलिए चाय पीते हैं। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करते अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी किचन और ब्लॉग में फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। तो भगवान से बस यही आशा करते हैं कि आप सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए फ्रेंड। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप सबको बहुत पसंद आने वाली है, जो कि हमारे सेहत को लेके हैं। तो आज मैंने बनाया है गोंद और अलसी के लड्डू, टीसी जिसे कहते हैं, अरसी भी कहते हैं गांव में, और टीसी भी कहते हैं। तो उसके लड्डू मैंने बनाए हैं, जो कि बहुत ही फायदा करते हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं। और उन्हें मेरा मानना है कि, मेरा क्या, सबका मानना है कि ये सब खाना चाहिए, रोज़ सुबह दूध के साथ एक गिलास ये लड्डू खाएं। तो जैसे कि हड्डियों में दर्द, सर में दर्द, आँखों की कमजोरी, या मतलब घुटनों में दर्द, कोई सा पुराना जोड़ों में दर्द, जो भी है, इससे समस्या सॉल्व हो जाती है, अच्छी हो जाती है, और मतलब कि कोई दर्द नहीं रह जाता है। ये तो मानी हुई बात है फ्रेंड। तो आज मैं वही लड्डू बनाई हूँ, तो चलिए फिर दिखाती हूँ कि मैंने लड्डू कैसे बनाया है, और बहुत अच्छे से बताई हूँ, और आप सब देखिएगा। तो वीडियो फ्रेंड अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करना, एक कमेंट करना, दोस्तों में शेयर करना, और नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप सबका सपोर्ट, मेरे दो कदम आगे बढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए मेरा। और चलिए फिर दिखाते हैं कि मैंने कैसे लड्डू बनाए हैं गोंद और टीसी के। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। आज हम बनाने वाले हैं अलसी के लड्डू, जो कि यहाँ पर मैंने एक पाव अलसी लिया है। और ये अलसी के लड्डू आप सबको पता है और कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके फायदे क्या हैं ये आप लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो चलिए मैं बता दे रही हूँ कि ये अलसी के लड्डू हमारे कमर के लिए, और हमारे घुटनों में या जोड़ों में, या चाहे जितना पुराना दर्द है उसके लिए अलसी के लड्डू बहुत फ़ायदा करते हैं, अरसी और गोंद के लड्डू। तो वही आज हम अरसी के लड्डू गोंद के बनाने चल रही हूँ फ्रेंड। तो आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ सामग्री मैंने क्या लिया है, मैंने यहाँ थोड़े से नारियल लिए हैं, लगभग 100 ग्राम होंगे कटे हुए, और यहाँ पे ये मैंने 200 ग्राम ये गोंद है। गोंद ज़्यादा डालेंगे फ्रेंड, गोंद बहुत ही फायदा करता है कमर दर्द के लिए, या कहीं भी दर्द, हाथ पैर में दर्द, सर में दर्द, आँखों में कमजोरी, सर में दर्द होता है, अक्सर दर्द रहता है, आँखों में दर्द होता है, तो उसके लिए। और यहाँ पे 100 ग्राम किशमिश है, और यहाँ पे 100 ग्राम ही छुहारा है, और 100 ग्राम ही मेरा बादाम है, और थोड़ा सा खसखस है, खसखस माने पोस्ता का दाना, तो खसखस भी थोड़ा डालेंगे हम, क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। और थोड़ा सा एक कटोरी हम बाजरे का आटा मिलाएंगे इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम गोंद को फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अलसी को भून लेते हैं अच्छे से। और गुड़ हमने यहाँ पे आधा किलो लिया है, देखिए यहाँ पे आधा किलो गुड़ है, जिसको मैंने इस तरीके से बारीक करके फोड़ लिया है। तो सबसे पहले अलसी को भूनते हैं चल के। तो यहाँ देखिए मैं भूंज रही हूँ अलसी, सबसे पहले अलसी को भून लेना है, क्योंकि गोंद जब भूजेंगे हम फ्रेंड यहाँ पे, तो घी डाल के भूनेंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि घी लगा रहेगा, तो इसलिए पहले हम अलसी को भून के निकाल लेंगे। और देखिए ये अलसी कितनी अच्छे से चटक रही है, आप जैसा कि देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हमें चटका के भूनना है इसे। और अब देखिए यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है, लमसम 100 ग्राम तक घी डाला है। उसके बाद में हम यहाँ पे हम डालते हैं गोंद, और गोंद को खूब अच्छे से
करेंगे फ्राई यहाँ पे। देखिए किस तरीके से लावा के जैसा गोल हमारा फूल रहा है और फूट के निकल जाएगा। ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कच्चा रहेगा तो दांत में चिपकेगा तो वो खाने में हमें टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमें गोंद को जितना भी गोंद है हमें भून लेना है फ्रेंड। और फ्रेंड अब सबसे बाद में यहाँ पे जो घी बचा है इसी में हम सारे मेवे डाल के और फ्राई कर लेंगे, क्योंकि बहुत से लोग मेवा नहीं फ्राई करते हैं लेकिन मैं मेवा फ्राई करती हूँ और मेवा फ्राई करके बनाते हैं तो बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाना, मेवे को फ्राई कर लेना ज़रूर, ताकि जो है ये फ्राई कर लेंगे आप तो इसका एक बात ये है ना कि जितने भी मेवे हैं ये ना मेरे फ्राई हो जाएंगे और बहुत ही सोंद लगेंगे खाने में लड्डू। तो जो थोड़ा बहुत मौसम की वजह से थोड़ा नरम भी हो जाते हैं ना तो वो जो है टाइट हो जाएंगे और खाने में बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत टेस्टी लगेंगे। क्योंकि जो मार्केट में बेचते हैं वो मैंने देखा है कि वो फ्राई करते हैं, फ्राई करके ही बनाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे जितने भी मेवे थे मेरे यहाँ पे कटे हुए मैंने सबको इस तरीके से देखिए फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे फ्रेंड अब हम बाजरे का ये आटा है तो बाजरे का आटा भी हम भून लेंगे। थोड़ा सा मैंने डाला है एक कटोरी, एक कटोरी में हो गए लमसम 200 ग्राम। तो ये बाजरे का आटा भी हम भून ले रहे हैं, इधर आटा भून रहा मेरा और उधर हमने जो है अलसी भूनी है उसको मिक्सी में पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड चाशनी यहाँ पे बन गई है और इसे ज़्यादा हमें नहीं बनाना है, केवल यहाँ पे हमें गुड़ को गला लेना है और कोई चाशनी यहाँ पे हमें नहीं बनानी है फ्रेंड, ठीक है ना। केवल गुड़ को गलाना है और कोई भी चाशनी हमें नहीं बनानी है। और इधर देखिए ये मैंने टीसी को पीस लिया है, अलसी मतलब टीसी भी बोलते हैं, अलसी भी बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पीस लिया है। देखिए आटा भी भूंज लिया है बाजरे का, तो सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने खसखस डाल दिया है यानी कि पोस्तक दाना सबसे पहले मैंने यहाँ डाल दिया है। और ये हमने जितने भी मेवे फ्राई किए हैं वो मैंने यहाँ पे सारे मिक्स कर दिए हैं, आप सब देख सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे डालेंगे भुंजी हुई पिसी हुई टीसी जो मैंने पीस के रखी है अभी। तो ये टीसी हमने यहाँ पे सारी मिक्स कर दिया है और अब बारी आया है बाजरे के आटे का। तो बाजरे का आटा भी हम इसी में मिक्स कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड जानते हैं एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं सामान इसमें मिक्स कर रही हूँ। तो इसे मिक्स करके फिर हम लड्डू बनाते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। फ्रेंड देखिए इधर मैंने सारा सामान मिक्स कर लिया है और अब हम बनाते हैं लड्डू। तो लड्डू बनाना ही बहुत ही आसान है, तो हम मीडियम साइज़ के लड्डू बना रहे हैं जैसा कि आप सब देख सकते हैं। बहुत ही नम छोटा है ना बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत सा लड्डू बन के रेडी हुआ है। तो इसी तरीके से मुझे सारे लड्डू बना लेने हैं, ठीक है ना, फिर बना के मिलते हैं आपसे। फ्रेंड देखिए ये लड्डू बन के मेरे हो गए हैं रेडी। और कैसे बनाया है मैंने आपको पूरी वीडियो बताऊंगी। और बहुत ही अच्छे लड्डू ये बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं, खाने में बहुत स्वाद है, अलसी और गोंद के लड्डू हैं ये। तो फ्रेंड इस तरीके से मैंने लड्डू बनाया है, बना के हो गए हैं रेडी। तो एक लड्डू मैं खाऊंगी रोज़ डेली और सलाह ये दूंगी कि आप सब भी ऐसे ही खाइए, ऐसे लड्डू बना कर रख लीजिए और सबको देंगे, अपने परिवार में खिलाना है सुबह सुबह डांट के या प्यार से सबको एक एक लड्डू। तो इस तरीके से मैंने फ्रेंड लड्डू बनाया है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना, पसंद आती है मेरी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को फुल वॉच करना, ऐड ज़रूर देखना। फ्रेंड आप सबके सपोर्ट से ही हम कुछ थोड़ा बहुत आगे की तरफ बढ़ पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही लड्डू बनाना मेरे तरीके से फ्रेंड। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं।